झारखंड के बहुचर्चित कैश कांड में फंसे कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट से 8 सप्ताह का समय मांगा है। झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कुंगाड़ी के दल बदल के मामले में बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ता के साथ साथ निलंबित विधायक भी ऑनलाइन जुड़े थे। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल नेता रणवीर आलम की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान निलंबित विधायकों के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष से 8 हफ्ते का समय मांगा है। उनका कहना था कि तीनों विधायक फिलहाल कोलकाता में हैं, सभी राज्य से बाहर हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए तीनों का कोलकाता से बाहर झारखंड आना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें समय दिया जाए। हालांकि आलमगीर आलम के अधिवक्ता उज्जवल आनंद ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि जिस मामले की सुनवाई 3 माह में पूरी होनी है, उस मामले में 8 सप्ताह का समय मांगना तर्कसंगत नहीं है। इस पर निलंबित विधायक के अधिवक्ता ने कहा कि निर्णय अध्यक्ष महोदय को लेना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।